हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है टाटा की टियागो। इसमें हम आज एलईडी स्क्रीन जो है ना वो इंस्टॉल करने वाले हैं इसमें। तो इसमें बिना वायरिंग कटिंग शटिंग किए हुए किस तरीके से हम इसमें एलईडी इंस्टॉल करेंगे, कोई भी कस्टमर स्वयं ये प्रोसीजर आप घर पे भी कर सकते हैं। आपको कोई भी इक्विपमेंट का ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे सारा कुछ आपका इजीली हैंड टू हैंड हो जा रहा है। तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हमने यहाँ से वायर अंदर लिया हुआ है, कुछ नहीं है, इसमें वायर अंदर डाल देना है। इस तरीके से ये वायर हमने यहाँ डाला हुआ है, ये वायर इधर से रोल करते हुए अंदर ले लेंगे। ये रबर, यहाँ रबर निकालेंगे, ये यहाँ से वायर पार करेंगे और ये वायर यहाँ से पार करते हुए इस तरफ ले आएंगे, इस तरफ, ठीक है। तो ये हमारा इग्निशन का रिले है, ठीक है, आप इस चीज़ का ख्याल करेंगे। यहाँ पे देख लेंगे, अब अगर आप थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा तो आप यहाँ पे इसमें इग्निशन रिले का लोकेशन दिख रहा है, यहाँ पे रिले नंबर 10 इग्निशन रिले, इसका लोकेशन जो है, आप अगर हाफ चाबी पे इसको देना चाहते हैं तो ये उसके ऊपर वाला जो बड़ा रिले है इसके ऊपर है, और ये फुल चाबी का रिले है, ठीक है। तो हमने ये फुल चाबी पे दिया हुआ है इसको, और वो भी कहाँ पे देना है वो भी देख लेंगे हम। ये देखें, ये बीच वाले में जो पिन है उसमें हमने ये वायर लगा दिया है, और कुछ भी वायर छिल कटिंग कुछ भी नहीं करना है, उसको पूरा परफेक्टली अंदर तक बिठा दें। और उसके बाद इसको वायर को इस तरीके से कर दे, और उसके बाद ये रिले लगाएंगे तो वो जाम हो जाएगा, हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये लग गया हमारा, और हमने ग्राउंड कहाँ से लिया है देख लेंगे। ये ग्राउंड है हमारा, आप ग्राउंड इसे यहाँ पे खोल के इस तरह पल्ले से नीचे यहाँ नट बोल्ट होता है वहाँ से आप टाइट कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से काम करना है। ये हमारा ईपीएस का किट है, एलटी पावर स्ट्रिंग का, और यहाँ पे इसको हमने कैसे निकालना है, ये हमारा लॉक है, इसको हम डाउन तरफ करेंगे, और ये लॉक जो है लीवर, इसको प्रेस करेंगे, ये हमारा नीचे की तरफ खींचेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है, निकल गया, ठीक है ना। ये मोटा वायर जो है ग्रे कलर का, टाटा का कोई भी गाड़ी हो अब तक या ये पहले का भी कोई भी, इसमें ग्रे कलर जो होता है वो ग्राउंड होता है। तो हमारा ये ब्लैक वायर है, ये हम ग्रे में लेंगे, सिंगल होने की वजह से थोड़ा मुश्किल आ रही है। तो यहाँ पे इसको हम घुसा देंगे इस तरीके से, वायर इसमें डाल दिया, और इसको हम इसको यहाँ पे हम सही से, मैं एक हाथ से कर नहीं पा रहा हूँ तो मैं उसको कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमने वायर यहाँ पे घुसा लिया, अब इसको सीधा हम दबा देंगे ऊपर, ये पट से आवाज़ करके लॉक हो गया, और वापस से हम ये क्लिप को ऊपर की तरफ दबा देंगे, ये लॉक हो गया, ठीक है। तो यह हमारा एलईडी का कनेक्शन हो गया, अब हम इसको चेक कर लेंगे, जो कि हमारा अभी हाफ इग्निशन ऑन है, हमने इसको ऑन करने का कोशिश किया तो ये हमारा ऑन नहीं हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे कर लेंगे इग्निशन को फुली ऑन, ये हमारा इग्निशन ऑन हो गया, और यहाँ पे हमारा पावर भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा दूँ, ये इग्निशन हमने ऑफ किया तो पावर भी हमारा चला गया, ये फुल इग्निशन पे है, ठीक है। अगर इसको आप हाफ़ पे रखना चाहते हैं तो ऊपर वाला जो रिले है उस पर आप कनेक्शन करके उसको हाफ़ में कर सकते हैं। तो इसमें हम और भी कुछ कनेक्शन नहीं ले रहे हैं कैमरा वगैरह का, कस्टमर का कहना है कि सिर्फ ये हमारा एलसीडी लगा दे किसी तरह वीडियो वगैरह देखने का मन हुआ तो इसमें, क्योंकि कंपनी ने इनबिल्ट कैमरा दिया हुआ है, ये यहाँ पे देख लें आप। तो इस तरीके से हमने किया इसको, इसको इंस्टॉल एलईडी को बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी टूल के, ठीक है। और इसी तरह का वीडियो आप अगर हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो लाइक शेयर, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और बताएं अपनी राय। थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।